नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी। उन्होंने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले को तुरंत संज्ञान में लेने और 19 अप्रैल को मामले की सुनवाई की बात कही, अपील की थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकारते हुए 24 अप्रैल को इस मामले में ईडी से जवाब मांगा है। ईडी से 24 अप्रैल तक इस मामले में जवाब मांगा गया है और 29 अप्रैल को अगली सुनवाई अरविंद केजरीवाल जो है कोर्ट में जब पेश होंगे तो सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की इस याचिका पर सुनवाई होगी, अगली सुनवाई। लेकिन इसी दौरान अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल वैसे तो डायबिटीज के मरीज हैं और उन्हें जो भी डाइट दी जा रही है वो डॉक्टरों की सलाह में दी जा रही है। डॉक्टरों 24 घंटे उनके साथ में डॉक्टर्स मौजूद हैं। कोई भी समस्या होती है तो तिहाड़ जेल में उनके इलाज के लिए 24 घंटे डॉक्टर्स मौजूद हैं। साथ ही साथ उनकी देखभाल करने के लिए भी जो सुरक्षाकर्मी हैं, जेल कर्मी जो हैं वो तैनात रखे गए हैं। लेकिन ईडी ने दावा किया है कि वो रोज़ आलू पूड़ी, मिठाई और कई ऐसी चीज़ें खा रहे हैं ताकि उन्हें मेडिकल जो बेल है वो मिल सके। जी हाँ, ईडी ने ये बड़ा दावा किया है। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद है और इसी बीच सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है। ईडी ने कहा कि वे जानबूझकर मीठा खा रहे हैं जिससे उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें जमानत मिल जाए। कोर्ट के समक्ष ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वो जेल में आलू पूरी, आम और मिठाई खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, वैसा जानबूझकर कर रहे हैं और मेडिकल बेल पर आने के लिए, ताकि कोर्ट जो है उन्हें मेडिकल बेल दे दे, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। ईडी ने कहा कि अदालत ने उन्हें घर का खाना खाने की मंजूरी दी है। जेल डीजी ने हमें केजरीवाल की डाइट भेजी है, उन्हें बीपी की समस्या है, लेकिन देखिए वे क्या खा रहे हैं, आलू पूरी, आम और हद से ज़्यादा मीठी चीज़ें। ईडी ने कहा कि हमने कभी नहीं सुना कि टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहे शख्स इस तरह की चीज़ें खाएं, लेकिन वो रोज़ाना आलू पूरी, आम और मीठी चीज़ें खा रहे हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें जमानत मिल जाए। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि हम जेल से इस मामले में रिपोर्ट मांगेंगे और आप मुझे उनका पूरा डाइट प्लान दें। इस पर अब कल सुनवाई होगी। इस मामले में शुक्रवार को जो है वो कोर्ट ने सुनवाई तय रखी है, शुक्रवार को, यानी कि ठीक पहले चरण की मतदान के दिन कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। और अगर ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये जो दावा है ईडी का ये सच पाया जाता है तो फिर उन्हें और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि जो घर से उनको खाना आ रहा है वो खाना बंद हो जाए। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल जेल से आने की भरसक प्रयास कर रहे हैं, तमाम कोशिशें कर रहे हैं। ईडी की जो गिरफ्तारी है उसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें पहले ही तुरंत राहत देने से मना कर दिया था और 29 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होनी है। अब जिस तरीके से ईडी का ये दावा है वो क्या कुछ कहता है, अगली सुनवाई में इसमें क्या कुछ, इन दावों में कितनी सच्चाई है ये सामने आएगा और क्या कुछ आगे होगा, वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।